जहां तक दूसरी प्रश्न है, सरकार का प्रश्न है, सरकार जब प्रदेश में आई 76,000 करोड़ रुपए का कर्जा पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार थी वो हिमाचल प्रदेश पर लेकर गई। 76,000 करोड़ का कर्जा होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ओपीएस को लागू किया, ये जानते हुए कि ये कठिन डगर है, राह आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की गारंटी में ये ओपीएस एक हमारे एक वादा था और हमने इसको देना था, अक्षरश इसको लागू करना था, मुख्यमंत्री इसकी तरफ बढ़े और उन्होंने कमिटमेंट दिखाकर तो इसको लागू किया। आज कैबिनेट में आज फिर मीटिंग है और बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 1500 रुपये कब आएगा, आज उसके ऊपर चर्चा है, कोई ना कोई पॉलिसी उसके ऊपर भी निरंतर मुख्यमंत्री प्रयासरत है, कोई ना कोई उस पर बनाना चाहते हैं। तो सरकार अपना काम कर रही है, 7 महीनों में सरकार की कार्यक्रम है, सरकार का जो एजेंडा है मुख्यमंत्री जी उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, जो जो सहयोग केंद्रीय मंत्रियों से लेना चाहिए उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीबीएमबी में सिंचाई के लिए जो पानी यूज करने के एनओसी देने प्रति उसकी शर्त जो है मुख्यमंत्री जी ने अपने एफर्ट्स करते हुए केंद्रीय मंत्री से मिलते हुए उस एनओसी की शर्त को हटाया। आज शानन की परियोजना है उसको वापस लेने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसको प्रयासरत है उसको लेने के लिए। बीबीएमबी की रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, जो प्रदेश उनके मुद्दे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो जयराम ठाकुर जी जो ये सांप्रदायिकता की ओर उनका ध्यान चला गया है और वहां से सेंटिमेंट्स बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बजाय वो केंद्र में उनकी सरकार है वो सहयोग करें मुख्यमंत्री जी का और जो जो चीजें प्रदेश हित में हो सकती हैं उसको करने का साथ में प्रयास करें, ना कि धर्म के नाम के ऊपर यहाँ पर इसको बांटने का प्रयास करें। आप हिमाचल की जनता, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक सवाल देकर छोड़ना चाहूंगा, क्या बताएं जो आज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस बात की आप प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू का कार्ड पूरा भड़का करके हम 24 में कोई ना कोई यहाँ चमत्कार करने का प्रयास करें, ऐसा ही काम उन्होंने पिछली सरकार में भी किया था जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, गुड़िया कांड को अननेसेसरली उन्होंने उछाला, पोलिटिकल मुद्दा बनाया, लोगों के सेंटिमेंट्स को छला और सत्ता में आया। और अब मैं प्रदेश की जनता से, अब बीजेपी के लोगों से पूछना चाहूंगा, प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी थे, गुड़िया को न्याय कितना मिला, कितना न्याय नहीं मिला ये हम भी जानते हैं, गुड़िया के परिवार के लोग भी जानते हैं और हिमाचल की जनता भी जानते हैं। जब लास्ट में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की कंक्लूजन हुई तो वहां पर किसी चरानी को आरोपी बनाया गया और जो उनके आरोप थे, जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे, इनके लोग हैं, फलाने लोग हैं, उन लोगों को बचाया जा रहा है, सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद भी बीजेपी के किसी भी आरोप में सत्यता नहीं पाई। जान जैसी उनकी थी, सरकार प्रदेश में उनकी थी, केंद्र में सरकार उनकी थी, उसके बावजूद जितने भी दावे भारतीय जनता पार्टी के खोखले निकले, गुड़िया को न्याय मिला नहीं मिला ये मैं भी जानता हूं, हमारे पूरे कांग्रेस के लोग जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है और बीजेपी के लोग भी अब जान चुके हैं कि जिस तरह से वो एक मुद्दे को पूरी तरह से हाईजैक करके लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़का करके हमेशा इस तरह का प्रयास करने की कोशिश करते हैं, तो आज हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 में हाथ का बटन दबा करके उनको आईना दिखा दिया है, उनको आईना दिखा दिया है। इतने ताबड़तोड़ संस्थान पिछले 6 महीने में जयराम ठाकुर जी ने खोले और जब आते ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बदहाली देखकर मुख्यमंत्री ने साहसिक फैसले लिए कि उन सभी संस्थानों को बंद किया जाए जिनकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो जयराम ठाकुर जी कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी सबको जो हमारे संस्थान थे उनको बंद करने हैं और हमने प्रदेश के विकास के लिए खोले थे। अरे प्रदेश के लिए विकास के लिए खोले थे और प्रदेश के लोग उससे खुश थे तो आपको सत्ता में क्यों लेके आए? अगर उन बातों से, उन संस्थानों को खोलने से प्रदेश की जनता खुश थी तो आप सत्ता में आनी चाहिए, आप सत्ता में क्यों नहीं आए? उसके बावजूद लोगों ने आपको पक्ष में उठाया, इसका मतलब मुख्यमंत्री लोगों की आशाओं के विरूप, माननीय सुखू जी लोगों की आशाओं के विरूप जो है काम कर रहे हैं और जो उनकी उन्होंने जो बटन हाथ का बटन दबाया 2022 की तरफ उस पर मोहर लगाते जा रहे हैं। तो मैं साफ तौर पर इस बात को यहां कंक्लूड करना चाहूंगा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मुगालते मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन चाहे वो युवा कांग्रेस है, एनएसवाई है, जिला कांग्रेस है, किसान कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सबके सब मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं
मुख्यमंत्री जी के स्टेप्स की और उनके फैसलों की सराहना करते हैं। जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को खुद अपने आप सुपरविजन कर रहे हैं और एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी कार्रवाई होगी धर्म और जाति देखकर नहीं होगी, जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष तरीके से होगी, जो भी आरोपी होंगे उनके साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। और यहाँ पर कोई भी संगठन, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो अन्य संगठन है, किसी मुकाबले में लड़े, किसी भी तरह से लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काने का प्रयास किया, तो कानून के दायरे में, मैं आपको साफ तौर पर आपको मीडिया के माध्यम कानून के दायरे में उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी भी तरह से लोगों के जज्बातों के साथ ना खेलें और हिमाचल प्रदेश में जो शांति के राज्य है उसकी शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार का सहयोग। रोहित जी, 2024 की बात कर रहे थे आप बीच में, जैसे पिछले दिनों जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जेपी नड्डा, तो उन्होंने जैसे एक किस्म से जो है वो लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया कांगड़ा से होते हुए जब यहाँ पे पहुंचे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का अभी तक कुछ ऐसा दिखता नहीं कहीं भी, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कांग्रेस का कि लास्ट टाइम, क्योंकि हमीरपुर पार्लियामेंट्री तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री का जिला है, उप मुख्यमंत्री का मतलब जो जिला है वो भी ऊना है, तो ऐसा तो नहीं होगा लास्ट, जैसे कि सदर का हुआ था कि सदर की सीट बिल्कुल लास्ट में फाइनल हुई थी हमीरपुर की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इतनी पिछड़ जाएगी जाके कि लास्ट में ही जो है अपनी तैयारियां शुरू करेगी या कोई ऐसी घोषणा करेगी। देखिए, ये सारी बातें जो है संगठन के ध्यान में भी है और मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी है, और मुझे नहीं लगता ऐसी जो कोई ऐसा कोई बात सामने आएगी। समय रहते ही हाईकमान से चर्चा करने पर मुख्यमंत्री जी इसको स्वयं निर्णय लें। अब तो इस जिले के ऊपर स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो उनके क्षेत्राधिकार में आता है, मुझे लगता है कि ऐसी देरी होनी चाहिए और समय रहते इस पर अपनी बुद्धिमत्ता से फैसला लेंगे और उनके हम साथ। एक और चीज जो देखने में आती है कि जैसे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं हमीरपुर में, 4 में कांग्रेस है इस वक्त जो है मौजूदा समय में, यानी कि हर जगह पे एक नेता मौजूद है, लेकिन जहां हमीरपुर को हम लोग देखते हैं तो हमीरपुर में अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का नेता कौन है हमीरपुर में? जैसे यहाँ पे क्या हम जो यहाँ पे कैंडिडेट थे, देखो जो 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 पोलिटिकल लोग हैं वो तो अपनी अपनी सेटिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी सेटलमेंट रहती है, किसी के साथ है कोई किसी के साथ है, लेकिन जो आम पब्लिक है, पब्लिक ने अगर कहीं जाना हो तो पब्लिक किसके पास जाए, पब्लिक का नेता कौन है यहाँ? देखिए, पब्लिक का नेता, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ, चुनाव में एक आजाद प्रत्याशी को जीत मिली, लेकिन यहाँ से मुख्यमंत्री सबके नेता है। और मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि उनका जो नारा है व्यवस्था परिवर्तन का और उनका जो ध्येय है हमीरपुर के लिए, हमीरपुर के लोगों को डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, तो किसी विधानसभा क्षेत्र को इसको ना सीमित करके इसको बड़े आउटलुक में देखना चाहिए। आज मुख्यमंत्री ही सबके नेता है। पर रोहित जी, ये बात बोलने में बहुत अच्छी है ना कि हर आदमी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता, ये आप भी जानते हैं इस चीज को। आप में से कितने लोग जानते जाते होंगे शिमला में, ऐसा तो नहीं कि एकदम से जाके सीएम साहब बैठे हुए कि वेट कर रहे हैं कि हमीरपुर से व्यक्ति आया हुआ है, उसमें भी मुख्यमंत्री जो मतलब क्या कोई ऐसा प्रोमिनेंट व्यक्ति यहाँ पे ऐसा कोई डिप्यूट किया गया है जिससे जो पब्लिक जाके पब्लिक ने कोई काम करवाना है, हर व्यक्ति थोड़ा शिमला जाएगा करने के लिए काम? मुख्यमंत्री जी ने बहुत अभिमान जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले दिया है। यहाँ से सुनील शर्मा जी राजनीतिक सलाहकार है, वो निरंतर यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, बार बार यहाँ बीच में विजिट करते हैं। उसके अलावा भाई गुरदीप सिंह पठानी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांगड़ा सहकारी बैंक से चेयरमैन है, वो भी यहाँ पर आकर के निरंतर लोगों से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नेता ही नहीं, वो मुख्यमंत्री सरकार बनते ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अधिमान दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री स्वयं इस जिला से ना थोड़ा समय रखिए और हमीरपुर के लोगों को थोड़ा सही बदलना होगा। अभी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं स्टेट लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सीएम ऑफिस या ऐसी कोई चीज व्यवस्था करेंगे, उससे चर्चा हुई है, मैं मीडिया को भी इसमें अपडेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई मुख्यमंत्री जी लोगों का एक्सेस बढ़ाने के लिए लोकल लेवल पर भी कोई ना कोई ऐसी चीज लेकर आएगा जिसके लोगों को काम कराने के लिए शिमला नहीं जाना पड़े और लोगों के काम को हमीरपुर में, यही पूछना चाह रहा था, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होगी। सर, मेरा क्वेश्चन चंबा है, आक्रोश में लोगों ने आरोपियों के घर जला दिए, पुलिस का ये मानना कि इस दौरान बहुत से एविडेंस वहां पर नष्ट हो गए, तो ये जो घर जलाए गए आरोपियों को, आरोपियों के, कांग्रेस का इस बारे में क्या स्टैंड है?
लॉ इतना हैंडीकैप नहीं है कि वहां पर अगर कोई घर को जला दिया गया उससे कोई सबूत नष्ट हो जाएंगे। अगर ऐसे सबूत नष्ट हुए तब भी कानून में कोई ना कोई प्रावधान है। मैं एज एडवोकेट आपको बता सकता हूँ, पर प्रेस ब्रीफिंग का वो पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर अगर कोई ऐसी आग जली हुई है तो जला दिया है, तो कोई ऐसे साक्ष्य और नहीं जुटा सकते। आजकल फोरेंसिक साइंस का जमाना है, फोरेंसिक टीम जो हम विजिट करती है वहां विजिट भी हुई है। तो ऐसा नहीं है एक्सपर्ट एविडेंस के द्वारा, जो भी कोरैबोरेटिव एविडेंस होगी, जो भी सपोर्टिव एविडेंस होगी, वो एक्सपर्ट की टीम उसमें कलेक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कि कोई वहां से जमाने से कोई ऐसा साक्ष्य जो अब नहीं मिले, जो है काम होता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।